गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ अजय गुंडावर, केमिस्ट्री फैकल्टी। टुडे वी डिस्कस अबाउट मार्कोनिकॉफ्स रूल। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, इट इज लेक्चर नंबर 9। मेनली ये कहां पढ़ते हैं अपन? हैलोजन कंपाउंड्स में पढ़ते हैं। सो याद रखो बच्चों, आपके बोर्ड के लिए, जेई के लिए, एमएससीईटी के लिए और नीट के लिए ये इंपॉर्टेंट वाला रिएक्शन है। ओके, अभी आज अपन देखेंगे इसके रिएक्शन और मैकेनिज्म, इसमें कौन से कंडीशंस आपको याद रखना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेफिनेशन देखो। व्हेन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, क्या रहेगा फर्स्ट इसमें? अनसिमेट्रिकल रिएजेंट लेना है। रिएजेंट कौन सा? अनसिमेट्रिकल रिएजेंट एड्स टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ओके, सो यहां रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल रहेगा, जो रिएक्टेंट रहेगा वो भी अनसिमेट्रिकल रहेगा। ओके, सो द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, अभी क्या है, रिएजेंट में से जो पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट रहेगा उसमें से नेगेटिव पार्ट गेट्स अटैच्ड टू द अनसैचुरेटेड कार्बन एटम विच कैरीज लेसर नंबर हाइड्रोजन एटम, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो यार, अनसिमेट्रिकल अल्कीन बोला जा रहा है तो वहां डिफरेंट टाइप, डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहेंगे, उसमें भी ये रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कहां अटैच हो जाएगा? द कार्बन एटम विच कैरीज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो देखो और एक बार बोल रहे हो, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट एड्स टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ओके, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गेट्स अटैच्ड टू द कार्बन एटम विच कैरीज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज मार्कोनिकॉफ्स रूल। ओके, इसमें मान के चलो ये डेफिनेशन फर्स्ट वाला पॉइंट है, इसमें सेकंड पॉइंट, मार्कोनिकॉफ्स रूल मेनली एप्लीकेबल फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन से? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में कौन कौन से रहेंगे? अल्कीन्स एंड अल्काइन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। तो सेकंड क्या है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज अल्कीन्स एज वेल एज अल्काइन्स। मेनली मार्कोनिकॉफ रूल इज एडिशन हो सकता है, इस रूल में क्या हो सकता है? एडिशन हो सकता है। एडिशन कितने टाइप के रहेंगे? तीन टाइप के, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सेकंड वन न्यूक्लियोफिलिक, थर्ड वन फ्री रेडिकल एडिशन। ओके, सो इसमें मार्कोनिकॉफ रूल में अपन पढ़ते हैं, यहां इट इज एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कौन सा हो सकता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एच एक्स हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड किसको अटैच करना है? अनसिमेट्रिकल अल्कीन को। अपने को पता है एच एक्स बोलते ही कौन सा लेते हैं? एच आई, एच बी आर, एच सी एल, बट एच एफ नहीं लेते हैं यहां, बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव। सो यहां एच आई का रिएक्टिविटी HBr से, HBr का रिएक्टिविटी HCl से, क्यों? अगेन बॉन्ड लेंथ। और यहां अपन पढ़ते हैं HX के बारे में जो भी बोला जा रहा है, मेनली अपन पढ़ते हैं यहां HBr। आप इसको भी एप्लीकेबल कर सकते हैं, इसको भी एप्लीकेबल कर सकते हैं, बट यहां मैं एक्सप्लेन करूंगा ओनली HBr। ओके, सो मार्कोनिकॉफ रूल इज एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ HX। और यहां जो अल्किन लिया जाएगा, याद रख लो ये अल्किन कौन सा रहेगा? अनसिमेट्रिकल वाला अल्किन। कौन सा? अनसिमेट्रिकल वाला अल्किन। ये रहेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें। सो क्या क्या पढ़े? डेफिनेशन, ओके, और इट इज टेक्स प्लेस ओनली इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ HX टू द अनसिमेट्रिकल अल्किन। और यहां अनसिमेट्रिकल अल्किन का देखो एग्जाम्पल, अगर मान के चलो यहां हेच 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 लेते हैं, तो इस कार्बन के ऊपर भी क्या है? दो हाइड्रोजन, यहां भी दो हाइड्रोजन। ये अनसिमेट्रिकल बनता है क्या? नहीं, सिमेट्रिकल बनता है।
अगर मान के चलो एक आधा हाइड्रोजन के बदले अगर CH3 लेते हैं तो अभी क्या बन गया CH3CH2। तो अभी ये क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिकल। इस तरह मॉलिक्यूल में क्या एप्लीकेबल करते हैं, मार्कोनी का रूल। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ये वाला। अभी देखेंगे अपन रिएक्शन विद मैकेनिज्म। देखो बच्चों रिएक्शन क्या है, प्रोपीन, ये क्या है प्रोपीन, CH3CH2, इट इज अनसिमेट्रिकल एल्केन। यहां देखो रिएजेंट HBr, ये भी क्या है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। अपने हिसाब से अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में से नेगेटिव पार्ट ये जो Br रहेगा कहां अटैच हो जाएगा, अनसैचुरेटेड जहां भी है उस दो कार्बन में लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिस कार्बन पे है वहां अटैच हो जाएगा। बट इसमें अपने को अटैच हो जाएगा तो ये दो तरीके से हो जाएगा, एक तो इस तरफ भी अटैच हो सकता है, एक तो इस तरफ भी। बट अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये Br जहां अटैच हो जाएगा वो मेजर बनेगा। ओके देखो यहां डायरेक्टली मैं प्रोडक्ट्स लिख देता हूं CH3CHBr CH3। तो देखो ब्रोमीन यहां अटैच हो गया, हाइड्रोजन यहां, और इसमें और एक भी प्रोडक्ट मिलेगा देखो CH3CH2CH2Br। तो अभी दूसरा कंडीशन क्या है, ब्रोमीन यहां ऐड हो जाएगा और हाइड्रोजन यहां, तो ये रहेगा 2-bromo-propane, ये रहेगा 1-bromo-propane। 2-bromo-propane इज मेजर, 1-bromo-propane इज माइनर। हो गया ये रिएक्शन। अभी देखो मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में क्या है, रिएजेंट डिसोसिएट्स टू इट्स आयन्स, दैट इज H+Br-। ओके नाउ इन सेकंड स्टेप ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कौन सा है CH3CH2। अभी यहां ये इंपॉर्टेंट आपको रहेगा, इसको समझना पड़ेगा। अभी यहां क्या बोला था मैं, दो तरीके का माइग्रेशन का चांस है, एक तो ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ गया है तो आपको क्या मिलेगा, यहां नेगेटिव चार्ज यहां पॉजिटिव चार्ज। ओके तो इसको ए टाइप ऑफ माइग्रेशन समझो थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट अगर यही पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट साइड माइग्रेशन होता है तो यहां क्या बनेगा, नेगेटिव यहां पॉजिटिव, इसको समझो थोड़ी देर तक बी टाइप ऑफ माइग्रेशन। सो यहां आपको लिखना है ये टाइप यहां बी टाइप, समझ में आया बच्चों। ओके सो देखो अभी ए टाइप माइग्रेशन क्या हुआ है, CH3 नेक्स्ट CH डबल बॉन्ड कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड CH2। तो ए टाइप माइग्रेशन में क्या है, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव। नाउ बी टाइप माइग्रेशन में देखेंगे, अभी बी टाइप में देख लो CH3CH-CH2+। हो गया, अभी इतना तो हो गया, यहां क्या करना है आपको, फर्स्ट इसमें H+ इसके ऊपर अटैक करेगा। H+ क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इसलिए इसको क्या बोला गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी यहां H+ कहां अटैक हो सकता है, ये इसमें एक जगह इसमें भी एक जगह, तो इसका लिख देंगे देखो, अगर H+ यहां अटैच हो जाएगा ए टाइप ऑफ कंपाउंड जो भी बना है, H+ कहां अटैच हो जाएगा, माइनस के ऊपर अटैच हो जाएगा, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड माइनस इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो यहां इन दोनों के बीच में रिएक्शन बनते ही क्या बनेगा, CH3CH+, इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट यहां H+ यहां अटैच होते क्या बनेगा, CH
3। ओके नेक्स्ट, यहां देखो यही एच प्लस अगर यहां अटैच होता है तो क्या बनेगा, सी एच थ्री प्लस अटैचेस टू माइनस, तो ये बनेगा सी एच टू नेक्स्ट सी एच टू प्लस। ओके ये रहेगा सेकंड स्टेप। देखो फिर से बोल रहा हूं, यहां दो तरीके के माइग्रेशन हो सकता है, ए टाइप लिए और बी टाइप। ए टाइप माइग्रेशन में क्या बन रहा है, सी एच थ्री सी एच प्लस सी एच टू माइनस। यहां बी टाइप में सी एच थ्री सी एच माइनस सी एच टू प्लस। अभी यहां देखो, यहां जो एच प्लस फर्स्ट स्टेप में अपने को मिला इट इज इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल एडिशन हो सकता है तो इसको इसलिए क्या बोला गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एच एक्स। तो यहां एच प्लस कहां अटैच हो रहा है, माइनस के ऊपर, तो अपने को ये वाला मिला है। यही एच प्लस अगर इसके ऊपर अटैच होता है तो ये वाला मिला है। अभी इतना सा बताओ, यहां जो सी एच थ्री ग्रुप दिख रहा है ये क्या है, प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप से, क्या है प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप से। यहां कितने ग्रुप से, दो। ये दो भी क्या कर रहा है, इस कार्बोकैटायन को या पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करते जाएंगे। बट यहां इसमें देखो, यहां कितने ग्रुप से, एक ही ग्रुप है, दैट इज सी टू एच फाइव डोनेटेड टू सी एच टू कार्बोकैटायन ओनली। सो यहां और यहां देखो, ये पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे है उस कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, दो कार्बन, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और यहां जिसपे कार्बो जिसपे चार्ज है वो कार्बन किस कितने कार्बन से अटैच है, ओनली वन कार्बन से, तो इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बोकैटायन। अभी आपको पता होगा कार्बोकैटायन में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा, तो देखो इफ टर्शियरी टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो अपने को तो टर्शियरी वाला ग्रुप नहीं है, तो अभी बचा हुआ है सेकेंडरी एंड प्राइमरी, तो सेकेंडरी यहां है तो ये मोर स्टेबल बनेगा। बट मोर स्टेबल कब बनेगा, जब यहां से चार्ज निकल जाएगा। चार्ज निकलने के लिए यहां क्या बच के, बी आर माइनस। तो देखो यहां थर्ड स्टेप में यहां जो बी आर माइनस बच के है, जब सेकेंडरी कार्बोकैटायन के साथ अगर रिएक्शन करता है तो देखो ये बी आर माइनस कहां अटैच हो जाएगा, प्लस के ऊपर, तो अपने को मिल जाएगा सी एच थ्री सी एच बी आर सी एच थ्री। ओके अगर यही बी आर माइनस कहां अटैच हो सकता है, प्राइमरी पे भी हो सकता है, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू प्लस बी आर माइनस। ये क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बोकैटायन। ये ब्रोमीन माइनस कहां अटैच हो जाएगा, पॉजिटिव के ऊपर, तो ये बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू बी आर। अभी इसका नाम बताओ बच्चों, ये बनेगा टू ब्रोमो प्रोपेन। ओके ये क्या रहेगा, वन ब्रोमो प्रोपेन। यहां जो टू ब्रोमो प्रोपेन मिला है ये किस इंटरमीडिएट से बना है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन से, सो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है और प्रोडक्ट भी ज्यादा ही बनेगा, तो ये क्या बना है, मेजर प्रोडक्ट बना है। अगर ये मेजर बनता है तो ये क्या बनेगा, माइनर बनेगा। तो मार्कोनी का रूल में अनसिमेट्रिकल अल्किन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ अगर रिएक्शन करता है तो अपने को कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे, दो, एक तो टू ब्रोमो प्रोपेन एक तो वन ब्रोमो प्रोपेन। टू ब्रोमो प्रोपेन इज मेजर एंड वन ब्रोमो प्रोपेन इज माइनर। ये रहेगा मार्कोनी का रूल विद रिएक्शन एंड रिएजेंट। ओके यहां आपको समझना है ये वाला मैकेनिज्म, अगर मैकेनिज्म समझता है तो आपको पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आएगा। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले देखो बच्चों, यहां मैकेनिज्म देखो और एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट HBr डिसोसिएट टू H+ Br- ना।
अभी यहाँ जो रिएक्टेंट लिया गया है, यहाँ पाई बॉन्ड जो लूजली बॉन्ड पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, ये कितने टाइप से माइग्रेट हो सकता है, एक्चुअली तो इस तरफ ही होना है बट पॉसिबिलिटी इस तरफ भी बन सकता है। ओके अगर इस तरफ माइग्रेशन होता है तो इसको क्या समझे, ए टाइप ऑफ माइग्रेशन। अगर इस तरफ माइग्रेशन होता है तो उसको क्या समझे, बी टाइप। ए टाइप माइग्रेशन में क्या बना है, CH3 CH+ CH2-। बी टाइप में CH3 CH- CH2+। अभी यहां जो रिएजेंट में जो H+ रहेगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आर इट इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहां एडिशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज से, तो H+ यहां अटैच होते ही वहां क्या बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा। अगर यही H+ यहां अटैच होता है तो प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा। याद रखना है सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बोकेटायन में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी। इसलिए देखो जो सी कार्बन के ऊपर जो चार्ज है उस कार्बन को दोनों तरफ भी क्या है, प्लस आई ग्रुप्स, क्या है, प्लस इंडक्टिव ग्रुप। प्लस इंडक्टिव ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे और कार्बोकैटायन कार्बन को स्टेबलाइज करने के लिए देखेंगे। बट कार्बोकैटायन प्राइमरी पे यहां डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन कितने, एक ही है, तो कंपैरिजन करेंगे तो इन दोनों में से स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है, इसका। सो सेकेंडरी कार्बोकैटायन प्राइमरी कार्बोकैटायन व्हेन रिएक्ट विद ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में से नेगेटिव पार्ट। अभी ये नेगेटिव पार्ट कहां अटैच हो जाएगा, पॉजिटिव के पास। तो पॉजिटिव के पास अटैच होते ही अपने को दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, टू ब्रोमो वन ब्रोमो। इसमें मेजर माइनर कैसे पहचानना है, जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन के साथ बन रहा है वो यहाँ मेजर, और प्राइमरी कार्बोकैटायन के साथ जो बनता है वो माइनर बनेगा, ये रहेगा मार्बोनिक ऑफ रूट। अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, किसका ये और एक इंपॉर्टेंट रहेगा, एंटी मार्बोनिक ऑफ रूट, एंटी मार्बोनिक ऑफ रूट। ओके इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक सब्सक्राइब शेयर, थैंक यू।